अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल एट पार पे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। के लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, पेबल रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ओके, क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है, 40,000 शेयर्स है, शेयर से एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, अब कंपनी क्या कर रही है कि एप्लीकेशन रुपीज कितने रुपीज का एप्लीकेशन बता रही है कंपनी, एप्लीकेशन है 2 रुपीज, पेबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपीज का है, 3 रुपीज का है, यानी अलॉटमेंट रुपीज 3, फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का कंपनी बता रही है, फर्स्ट कॉल कितने का है रुपीज थ्री, एंड सेकेंड कॉल कितने का है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज कितने का है, 2 रुपीज की है। ओके, अब और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड एंड ऑल द सम ड्यू ऑन ड्यू इज ड्यूली रिसीव, जितना भी ड्यू किया गया था उतना कंपनी को पैसा रिसीव हो गया। ओके, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अमाउंटेड रुपीज 10,000, यानी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर सेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रुपीज 10,000। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 40,000, एक शेयर की प्राइस कितने का, 10 रुपीज ईच का है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी कंपनी के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहां पे कोई शेयर नहीं दिया हुआ तो कौन सा शेयर हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो 40,000 है, 40,000 इंटू एप्लीकेशन कितने का, 2 रुपीज का, यानी कितना हो गया कंपनी को 80,000, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई 80,000, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट कितने से 80,000। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, अलॉटमेंट कर रही कंपनी, अलॉटमेंट कितने रुपीज का है, 3 रुपीज का, यानी 40,000 टू 3, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 40,000 इंटू 3, अलॉटमेंट 3 रुपीज का, यानी कितने का हो गया 1,20,000।
being the allotment money due. जो allotment due किया तो recipient ही होगी, तो next entry क्या हो जाएगी? Bank account debit to equity share allotment same amount 1,20,000 being allotment money received. ओके अब तो अलॉटमेंट तक हो गई. अब कंपनी किसको कॉल कर रही है? फर्स्ट कॉल में कितने रुपीस का? 3 रुपीस का. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital कितने से? 40,000 into 3 1,20,000 being the first call due. जब ड्यू किया तो कंपनी रिसीव करेगी. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेम अमाउंट 1,20,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव. ओके अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जा रही? कंपनी ने फर्स्ट कॉल तो कर लिया, अब कंपनी किसका कॉल करेगी? सेकंड कॉल. और सेकंड कॉल कितने रुपीस का है? सेकंड कॉल कितने की है? 2 रुपीस की. सेकंड फाइनल कॉल. तो नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 40,000 इंटू कितने रुपीस का? 2 रुपीस का, यानी 80,000 बीइंग द सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. जब ड्यू किया तो फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी रिसीव करने की? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल सेम अमाउंट 80,000 बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव. अब देखो इतना तो रिसीव हुआ. अब कंपनी करी एक्सपेंसेस कितना हुआ? एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर कितने का है? 10,000 रुपीज का. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट कितने से? 10,000. ओके बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सपेंसेस
incurred, okay, on issue of share, on issue of shares, okay. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे at premium पे. ये तो अभी तो था installment में at par का से रिलेटेड क्वेश्चन. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एट प्रीमियम. ओके,